सभी जहां भी जाती है हर किसी का दिल जीत लेती है। कुछ ऐसा ही किया है उसने भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन से पहले ही। एडमिशन अभी हुआ भी नहीं, लेकिन वहां पर जो काका है वो सभी से बेहद इम्प्रेस हैं। जिस तरीके से सभी उन्हें सम्मान देती है, जिस तरीके से सभी ने उनको प्यार दिया, जिस तरीके से वो उनके साथ आदर से बात करती है, अब वो काका सभी को अपनी बेटी की तरह समझने लगे हैं। सभी का एडमिशन तो हो गया, लेकिन सभी के साथ जिस तरीके की बदतमीजी अब कॉलेज के अंदर हुई है, ये सारी चीज़ें काका ने देख ली। हालांकि काका ने इन सारी चीज़ों को जाकर ईशान को भी बताया, लेकिन यहाँ पर ईशान मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके कॉलेज में इस तरीके की बदतमीजियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। सभी को बचाने के लिए अब काका ईशान के पैरों पर गिर गए हैं। साफ साफ वो ईशान से इस बात की रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए कि मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप सभी की मदद कीजिए। सभी से बेहद नाराज है ईशान। सभी को ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में पढ़कर उसका भविष्य बन जाएगा, वो कलेक्टर बन पाएगी। लेकिन जब से उसने इस कॉलेज के बारे में सोचा है, लगातार उसके रास्ते में कई रुकावटें आ रही हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगातार इन रुकावटों को पार करके सभी ने एडमिशन तो ले ही लिया, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा झटका तब लगा है जब सीनियर्स ने उसके साथ रैगिंग की। अब ईशान के पास दौड़े दौड़े पहुँचे काका और रोने लग गए, कहते हुए नजर आए कि वो लड़की बेकसूर है। पहले इस कॉलेज में वो आई और जिस तरीके से उसके साथ पहले ही दिन बिहेव किया गया है, वो बहुत ही गलत है। वो ये कहते हुए नजर आए कि सभी दिल की बहुत अच्छी है, वो हमेशा सभी की मदद के लिए आगे रहती है, और उसके साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी बदतमीजी की है कि उसे केबिन में बंद कर दिया है। ईशान ये मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन काका उसको मना कर किसी तरीके से उस केबिन में लेकर आए जहां पर सभी ज़मीन पर गिरी हुई थी। ये सब देखकर ईशान के भी होश उड़ गए। ईशान को विश्वास नहीं हुआ कि उसके कॉलेज में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। एक बात तो तय है कि अब ईशान मदद के लिए तो आगे आया है, लेकिन क्या वो सभी की मदद करते करते उसको दिल दे बैठेगा? क्या उसे ये बात समझ में आ पाएगी कि सभी दिल की बहुत अच्छी है और सभी वाकई में बेकसूर है? आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।